और नोएडा से बड़ी खबर, आप विधायक अमानतुल्लाह खां को हाईकोर्ट से राहत। विधायक और उनके बेटे समेत तीन की गिरफ्तारी पर रोक लगी। पेट्रोल पंप पर मारपीट और धमकी देने का मामला नोएडा के पेसमन थाने में दर्ज FIR। नोएडा के कोर्ट से NBW भी जारी किया गया था। तो बड़ी खबर आपको बता दें नोएडा से, जहां पर आप विधायक अमानतुल्लाह खां को हाईकोर्ट से राहत मिली है। विधायक और उनके बेटे समेत तीन की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। पेट्रोल पंप पर मारपीट और धमकी देने का पूरा मामला था। लगातार पुलिस से अमानतुल्लाह खां और उसके बेटे की तलाश में लगातार जुटी हुई थी, लेकिन हाईकोर्ट से अब अमानतुल्लाह खां को बड़ी राहत मिली है। गिरफ्तारी पर रोक लगाने के आदेश दिए गए हैं हाईकोर्ट की तरफ से। नोएडा के फेसवन थाने में FIR भी दर्ज। तो आप विधायक अमानतुल्लाह खां को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। विधायक और उनके बेटे समेत तीन की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। तो नोएडा से ये बड़ी खबर। पेट्रोल पंप पर मारपीट करना और पेट्रोल पंप कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी देने के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने विधायक उनके बेटे सहित तीन लोगों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई। आपको बता दें कि पिछले दिनों नोएडा की अदालत से विधायक उनके बेटे सहित तीन लोगों के खिलाफ NBW जारी किया गया था। नॉन अवेलेबल वारंट जारी होने के बाद नोएडा पुलिस लगातार दिल्ली में उन ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी जहां पर अमानतुल्लाह मिल सकते थे। उनके घर पर भी कई बार पुलिस गई, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। इस पूरे मामले में अभी तक एक आदमी की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि कई संगीन धाराओं में विधायक उनके बेटे सहित अन्य लोगों पर FIR दर्ज कराई गई थी और कई धाराएं भी बढ़ाई गई थी।